जाता है। धूल डस्ट प्रदूषण अगर देखा जाए तो सिंगरौली जिले में यह आम बात है, लेकिन इन दिनों दुद्धी चुआ परियोजना में यह नज़ारा आम बात नहीं है, क्योंकि रोड पे जो इंसान चलते हैं वो कीड़े मकोड़े ही हैं, क्योंकि उनका रोज का पेशा हो गया है कि उस धूल डस्ट प्रदूषण से उनको गुजरना है और अपना व्यापार अपना कार्य करना है। लेकिन पिछले कई दिनों से दुद्धी चुआ परियोजना में बताते हैं कि वर्कशॉप एरिया में डोजर सेक्शन के ऊपर चल रहे प्राइवेट हाईवा ट्रेलर चलने के से डस्ट का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि इस कारण से सभी कर्मचारियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इसका असर भी लोगों को दिखने लगा है कि सांस लेने में वाकई में लोगों को दिक्कत हो रही है। आप विजुअल हमारे बार बार देखते होंगे, हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए क्या स्थितियाँ हैं परियोजना की, और वही हाल रोड पे है। इसलिए आज जो है दुद्धी चुआ परियोजना में प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में और डेवलपमेंट के दिखावे के चक्कर में कर्मचारियों के स्वास्थ्य की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसलिए आज जो है वर्कशॉप एरिया में आपातकालीन मीटिंग रखी गई। इसमें इंटक नेता निरंजन झा, अशोक धारी, आरके सिंह, आरएम तिवारी, पीएस बघेल शामिल हुए हैं और साथ ही सैकड़ों कर्मचारी जो है मौके पर मौजूद रहे हैं इस मीटिंग में। आपको बता दें कि डोजर सेक्शन, डंपर सेक्शन 85, 120, सावल सेक्शन, ड्रिल सेक्शन सभी वर्कशॉप के कर्मचारियों टूल डाउन नीति के तहत काम बंद कर दिया। जब तक इसका निराकरण नहीं होगा तब तक काम चालू नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे किस प्रकार से विजुअल में कि डस्ट का माहौल है। लोगों के पास अगर गमछा है तो गमछे से अपना मुँह बांध के रखे हुए हैं, अगर उनके पास रुमाल थे रुमाल से अपना मुँह ढक के खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या इस तरह से कोई भी वर्कर कहीं भी काम कर पाएगा? असंभव है, काम नहीं कर पाएगा। इस पे सीएमडी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए कि आखिर इतना प्रदूषण हो कैसे रहा है, इतना प्रदूषण आ कहां से रहा है, इतना प्रदूषण हो कैसे रहा है, आखिर बार बार दुद्धी चुआ परियोजना के ही कर्मचारी हड़ताल पर क्यों है, टूल डाउन नीति के तहत काम क्यों बंद करते हैं, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। अगर बात की जाए तो इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सिर्फ फ्रंट लाइन पे आकर दिखावे में सारा काम कर जाते हैं। अगर कभी दिल्ली से एनजीटी की टीम आती है तो उसके आते ही पेड़ पौधों में पानी छिड़काओ, रोड पे गाड़ियां चला देते हैं ताकि साफ सफाई हो जाए, रोड पे ही कर्मी लगा देते हैं। तो ये स्थितियां हैं दुद्धी चुआ परियोजना की। लेकिन जिस प्रकार से रोजाना आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, टूल डाउन नीति के तहत काम बंद हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अब इस पर एनसीएल को विचार करना होगा। लेकिन फिर से बता दें कि इस हड़ताल में जो है टूल डाउन नीति के तहत इंटक के नेता निरंजन झा, अशोक धारी, आर एम तिवारी, पी एस बघेल मौजूद रहे और उनके साथ सैकड़ों कर्मचारियों ने बैठकर आज राजीव चोपड़ा के साथ बैठकर मीटिंग भी की है। आप देखते होंगे बार बार विजुअल में कि किस प्रकार से बैठकर लोगों ने मीटिंग की है। बहरहाल बने रहे पोल पोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।